शुभोदय बच्चों, नारायण लाइव क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम सिकंदर बच्चों, मैं आप लोगों को आज चावल के दाने पाठ से संबंधित जो असाइनमेंट आप लोगों को दिया गया है उसके उत्तरों की चर्चा करने वाला हूं। सब लोग ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न इस प्रकार है बच्चों, तेनालीराम ने इनाम में सोना क्यों नहीं लिया होगा। तो देखिए बच्चों, कहानी आप लोग सुन चुके हैं पाठ में। कहानी में तेनालीराम कृष्ण जी पहले क्या करते हैं, तेनालीराम कृष्ण जी से श्री कृष्ण देवराय कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए वो ले सकते हो, सोना चाहिए तो सोना भी ले लो कहते हैं। तो तेनालीराम सोना नहीं लेते, क्यों नहीं लिए उसका उत्तर देखिए। तेनालीराम ने इनाम में सोना इसलिए नहीं लिया होगा क्योंकि वे चावल के दाने और शतरंज की बिसाब के माध्यम से राजा को कृष्णदेव राय को एक उपदेश देना चाहते थे। यानी श्री कृष्णदेव राय को तेनालीराम कृष्ण उपदेश देना चाहते थे, ये बताना चाहते थे कि जीवन में छोटी छोटी चीजें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, वो बताना चाहते थे। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखिए, श्री कृष्णदेव राय की जगह अगर तुम होते तो क्या करते, कृष्णदेव राय की जगह अगर मैं होता तो क्या करता। तो उसका उत्तर देखिए, श्री कृष्णदेव राय की जगह अगर मैं होता तो अपने राज्य और दरबार में कवियों, ज्ञानवान व्यक्तियों का सम्मान करता तथा उनसे सलाह और मार्गदर्शन लेकर जनता की भलाई करता। तो जनता की भलाई भी मैं करता, उनसे महान लोगों से सब लोगों का मार्गदर्शन लेकर मैं उनकी भलाई भी करता था, जनता के सुख दुख में शामिल होता। यानी जनता के सुख दुख में भी मैं शामिल होता था, लोगों की आवश्यकताओं जैसे रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कराता। हर एक इंसान की जरूरत क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, उसकी व्यवस्था भी मैं कराता। लोगों के दुखों को दूर करने की कोशिश करता, यानी उनके दुखों को भी दूर करना है, जनता का दुख क्या है, क्यों उनको दुख हो रहा है, ये भी मैं जानकर उनके दुखों को भी मैं दूर करता था बच्चों। तो ये रहे आज के असाइनमेंट के उत्तर बच्चों। धन्यवाद बच्चों।